साउथ चाइना सी को लेकर चीन दादागिरी पर उतर आया है और वो दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों को बंद करने जा रहा है। दरअसल चीन अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वो साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने हाल ही में ये फैसला दिया है कि दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर ऐतिहासिक अधिकार का दावा करने का चीन का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस फैसले को चीन ने मानने से इनकार कर दिया। चीन अपने हैनन प्रांत के हिस्से पर मंगलवार से लेकर गुरुवार तक सैन्य अभ्यास करवाएगा। चीन के मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी वेबसाइट के जरिए ये बात कही, साथ ही ये भी कहा कि इसमें प्रवेश प्रतिबंधित था। दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावे को लेकर चल रहे गतिरोध में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चीन के खिलाफ फैसला दिया था, जिसे चीन ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो फैसले को स्वीकार नहीं करता और इसे मान्यता नहीं देता और फैसले को अमान्य करार दिया। बीजिंग के खिलाफ ये मामला मनीला ने दायर किया था और उसने ट्रिब्यूनल के इस फैसले का स्वागत किया। दरअसल चीन अपने दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के दावे के उलट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लगभग सभी जल क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है। फिलीपीन ने 2013 में बीजिंग के खिलाफ याचिका देते हुए कहा था कि 17 साल तक चर्चा के बाद सभी राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते बंद हो गए हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।